चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पकड़ा गया भूपेंद्र सारण। दरअसल पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण इन दिनों राजस्थान से बाहर छुपा हुआ था। जोधपुर पुलिस के SI लाखाराम को इनपुट मिला कि उसके लिए घी और अन्य सामग्री रेल द्वारा बेंगलुरु भेजी जा रही है। सूचना ग्रामीण SP को दी गई और SP ने SOG की मदद से लाखाराम, देवाराम और भवानी को बेंगलुरु भेजा। बेंगलुरु स्टेशन पर भूपेंद्र सारण तो घी लेने नहीं आया, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति घी लेने के लिए पहुंचा। टीमों ने उस पर कड़ी नज़र रखी और उससे पूछताछ की तो पता चला कि भूपेंद्र सारण अहमदाबाद से बेंगलुरु आने वाला है। एयरपोर्ट पर फील्डिंग की गई और एयरपोर्ट पर जैसे ही भूपेंद्र सारण पहुंचा तो पहले से मौजूद SOG और जोधपुर पुलिस ने उसे दर दबोचा। तो इस तरह भूपेंद्र सारण पेपर लीक का मास्टरमाइंड आखिरकार पकड़ा गया है।